तेल में कुछ घोली हुई धूप की डालियां मैंने कैनवास पे बिखेरी थी, मगर क्या करूं, लोगों को उस धूप में रंग दिखते नहीं। मुझसे कहता था थियो, चर्च की सर्विस कर लूं और उस गिरजे की खिदमत में गुजारूं मैं शबो रोज, जहां रात को साया समझते हैं सभी, दिन को सराबों का सफर। उनको मादे की हकीकत तो नजर आती नहीं, मेरी तस्वीरों को कहते हैं तखयुल है, ये सब वाहमा है। मेरे कैनवास पे बने पेड़ की तफसील तो देखो, मेरे तकलीफ उस खुदावंद के पेड़ से कुछ कम तो नहीं। उसने तो बीज को एक हुक्म दिया था, शायद पेड़ उस बीज की कोख में था और नुमाया भी हुआ। जब कोई टहनी झुकी, पत्ता गिरा, रंग अगर जर्द हुआ, उस मुसव्विर ने कहां दखल दी थी, जो हुआ सो हुआ। मैंने हर शाख पे पत्तों के रंग रूप पे मेहनत की है, उस हकीकत को बयां करने में जो हुस्ने हकीकत है। असल में इन दरख्तों का ये संभला हुआ कद तो देखो, कैसे खुदार है ये पेड़, मगर कोई भी मगरूर नहीं। इनको शेरों की तरह मैंने किया है मौजूद, देखो तांबे की तरह कैसे दहकते हैं खिजा के पत्ते। कोयला कानों में झोंके हुए मजदूरों की शक्लें, लालटेने हैं जो शब देर तलक चलती रहती। आलुओं पर गुजर करते हैं कुछ लोग, पटेटो ईटर्स, एक बत्ती के तले एक ही हाले में बंधे रखते हैं सारे। मैंने देखा था हवा खेतों से जब भाग रही थी अपने कैनवास पे, उसे रोक लिया, रोला वो चिट्ठी रसा, और वो स्कूल में पढ़ता लड़का, जर्द खातून पड़ोसन थी मेरी, फानी लोगों को तगैयुर से बचाकर उन्हें कैनवास पर तवारीख की उम्र दी है। साल हा साल ये तस्वीरें बनाई मैंने, मेरे नक्काद मगर बोले नहीं, उनकी खामोशी खटकती थी मेरे कानों में। उस पे तस्वीर बनाते हुए एक कौए की वो चीख पुकार, कौआ खिड़की पे नहीं सीधा मेरे कान पे आ बैठता था। कान ही काट दिया है मैंने, मेरे पैलेट पे रखी धूप तो अब सूख गई है। तारपीन तेल में जो खोला था सूरज मैंने, आसमां उसका बिछाने के लिए चंद बालिश्त का कैनवस भी मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ रेमी में हूँ, सेंट रेमी के दवाखाने में, थोड़ी सी मरम्मत के लिए भर्ती हुआ हूँ। उनका कहना है कई पुर्जे मेरे जहन के अब ठीक नहीं हैं, मुझे लगता है वो पहले से सवा तेज है अब।